मौसम समाचार में आपको बता दें कि कोहरा, बारिश और ठिठुरन पहाड़ी क्षेत्रों में जो माहौल अमूमन रहता है, वही इन दिनों उत्तर प्रदेश में बना हुआ है। पिछले कुछ समय से आपको बता दें, लगातार मौसम बदल रहा है, इससे जनजीवन प्रभावित कर दिया है। बढ़े हुए सर्द मौसम के कारण लोगों को खासी परेशानी हो रही है। मौसम विभाग की ओर से दी गई ताजा जानकारी के अनुसार अभी ये मौसम थोड़ा और परेशान करेगा। लोगों को दो तीन दिनों तक अभी राहत नहीं मिलने वाली है। इसी बीच आपको बता दें कि आज से तीन दिनों तक उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में तेज बारिश होगी। इसके साथ ही ठंडी हवाएं और कोहरा भी बना रहेगा। पश्चिमी यूपी के जिलों में इसका ज्यादा असर देखने को मिलेगा और उसके बाद मौसम में सुधार आने की गुंजाइश है। फिलहाल तब तक शीतलहर से राहत मिल सकती है। यूपी के अलग अलग हिस्सों में पिछले कुछ दिनों में हुई बारिश ने ठंड बढ़ा दी है। मौसम विभाग के अनुसार इससे अभी राहत मिलने वाली नहीं है। उत्तर प्रदेश के कई जगहों पर दो तीन दिनों तक भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है और आपको बता दें, दो तीन दिनों तक प्रदेश के कई इलाकों में तेज बारिश होगी। इसके साथ ही ठंडी हवाएं और कोहरा भी बना रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी यूपी के जिलों में इसका ज्यादा असर देखने को मिलेगा। मौसम विभाग के मुताबिक आज और कल उत्तर प्रदेश के कई जिलों में ज्यादा बारिश और मध्यम बारिश हो सकती है। इसी बीच आपको बता दें कि मौसम विभाग ने आज अनुमान जो जारी किया है, उसके मुताबिक आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के वो कौन से जिले हैं जिनमें आज बारिश हो सकती है। तो आपको बता दें, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, बुलंदशहर, नोएडा, अलीगढ़, मथुरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, इटावा, जालौन और झांसी। वहीं अगर बात करें कि मौसम विभाग ने कल किन जिलों के लिए बारिश की संभावना जताई है, तो वे जिले हैं प्रयागराज, कौशाम्बी, चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, महोबा, झांसी, फतेहपुर, रायबरेली, अमेठी, लखनऊ, बाराबंकी, उन्नाव, कानपुर नगर, कानपुर देहात, जालौन, इटावा, फिरोजाबाद, एटा, कासगंज, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, बदायूं, आपको बता दें बरेली, रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, शामली, सहारनपुर, बागपत और नोएडा। इसके साथ ही आपको बता दें कि मौसम विभाग ने कल को पश्चिमी यूपी के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस दिन पश्चिमी यूपी में ज्यादा बारिश के साथ साथ ओले गिरने की भी संभावना जताई गई है और आपको बता दें, दो तीनों तक कुछ जिलों में हल्की बारिश हो सकती है। बारिश की वजह से दिन के तापमान में तो काफी गिरावट आई है, लेकिन रात के तापमान में उछाल आया है और आपको बता दें कि दो तीन दिनों बाद मौसम में सुधार आने की संभावना है। फिलहाल तब तक शीतलहर से राहत मिल सकती है। जिन जगहों पर बारिश हुई है, वहां के वायु प्रदूषण में भी सुधार हुआ है। चलिए जानते हैं कि यूपी के बड़े शहरों में कैसा रहेगा मौसम का हाल। तो सबसे पहले अगर बात करें लखनऊ की, तो लखनऊ में अधिकतम तापमान 16 और न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। आज भी आसमान में बादल छाए रहेंगे और बारिश होने की संभावना है। यहां वायु गुणवत्ता सूचकांक खराब श्रेणी में दर्ज किया गया है। अगर बात करें वाराणसी की, तो वाराणसी में अधिकतम तापमान 22 और न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। यहां भी आसमान में बादल छाए रहेंगे और भारी बारिश होने का अनुमान है। अगर बात करें प्रयागराज की, तो प्रयागराज में अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। यहां भी बादल छाए रहेंगे और बारिश की संभावना है और वायु गुणवत्ता सूचकांक बहुत खराब श्रेणी में रिकॉर्ड किया गया है।